दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर। दोस्तों, हम हमेशा आपको BHU से रिलेटेड खबरों से अपडेट करते रहते हैं। इसी क्रम में हमने आपके लिए आज फिर से BHU से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं। यह अपडेट है BHU कट ऑफ और काउंसलिंग लेटर से संबंधित है। मित्रों, इससे पहले हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं, जो हमारे पिछले वीडियो जो BHU कट ऑफ पर हमने बनाया था और उसमें रैंक वाइज कट ऑफ आपको बताया था, उसमें छूट गई है। वो है बढ़ी हुई सीटों से रैंक पर पड़ने वाले असर की बात। दोस्तों, चूंकि BHU ने इस बार 10% गरीब सवर्ण आरक्षण को देखते हुए हर विभाग को 25% सीट को बढ़ाने का आदेश दिया है, जिसके फलस्वरूप पूरे BHU में लगभग 3500 सीटों में इजाफा होगा। अतः रैंक वाइज कट ऑफ बताते समय हमने आपको जो रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी को बताया था, दोस्तों हमने जिस रैंक तक की एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी आपको बताया था, उनका तो मेन कैंपस में एडमिशन पक्का है। और इस 25% सीटों में इजाफा होने से रैंक में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। अर्थात जिनका रैंक हमने जो आपको रैंक बताया था जितने तक मेन कैंपस में एडमिशन हो सकता है, अगर उस रैंक से जिनका 100-200 रैंक कम भी हो, वे भी चिंतित न हो, उन्हें भी एडमिशन आसानी से मिल सकता है। उस रैंक वाइज कट ऑफ के वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख करके अपना अनुमान लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो की बात। तो दोस्तों, BHU स्नातक कोर्स के कट ऑफ 25 जून से जारी किए जाएंगे। दोस्तों, जब से BHU के रिजल्ट आए हैं, तब से कट ऑफ को लेकर हलचल बढ़ गई है कि BHU के कट ऑफ कब आ रहे हैं। रिजल्ट आगे ना आने के बाद ही से BHU के कट ऑफ और काउंसलिंग को लेकर के हलचल काफ़ी बढ़ गई थी। इसलिए BHU ने स्पष्ट कर दिया है कि कट ऑफ जो है वो 25 जून से जारी होने शुरू हो जाएंगे। परिणामों की सूची अब संकाय व विभागों में भेजी जाएगी। लगभग 22 जून तक ये परिणामों की सूची संकायों व विभागों में भेजी जाएंगी। इसके बाद विभाग अपने पाठ्यक्रम की सीटों के अनुसार कट ऑफ लिस्ट जारी करके काउंसलिंग लेटर जारी करेगा। दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको एक और बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि काउंसलिंग लेटर आने मात्र से आप संदेह में न आ जाएं कि आपका एडमिशन पक्का हो चुका है। यह बात थोड़ी नकारात्मकता पैदा कर सकती है, लेकिन हम आपको सच से दूर नहीं रखना चाहते, इसलिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। चूँकि हर विभाग सीट से कम 3 गुने अधिक छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के लिए बुलाता है, और कम से कम ये 3 गुने छात्र छात्राओं को बुलाता है। कई विभाग लगभग 10 गुने अधिक छात्र छात्राओं को बुलाते हैं। इसलिए हम आपको आज ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सिर्फ काउंसलिंग लेटर आने मात्र से आप इस भ्रम में न आ जाएं कि आपका BHU में एडमिशन पक्का हो गया है। दोस्तों, जुलाई के प्रथम सप्ताह से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आपके काउंसलिंग लेटर में ही तिथि, समय, स्थान सभी की जानकारी दी रहेगी। मतलब किस डेट को आपका काउंसलिंग होने वाला है, किस समय और किस स्थान पर होने वाला है, ये सारी जानकारियां आपके काउंसलिंग लेटर में आपको मिल जाएंगी। और बात रही कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसे देख लेंगे। उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, काउंसलिंग से जुड़ी और अन्य जानकारी, एडमिशन तक आपके लिए सारी बातें हम अपने चैनल पर आपको देते रहेंगे। इसलिए आप सुविधा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप BHU के बारे में सारी जानकारी से अपडेट रहेंगे और आपको काउंसलिंग में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए हो BHU से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी टीम आपकी सहायता अवश्य करेगी। इन्हीं जानकारियों के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ मित्रों, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।